जब हम पिछले विधानसभा चुनाव में गए थे, सिर्फ 10 महीने की पार्टी थी। 10 महीने पहले इसी दिन 2018 में जननायक जनता पार्टी का की स्थापना हुई और चौबीस देवीलाल जी, जिनको जननायक के नाम से हरियाणा प्रदेश नहीं, हमारा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने, एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर इस पार्टी का गठन किया। साथियों, बहुत कम समय में जो हमारे मार्गदर्शक कहूँगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, और जो एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने की, और हमारे जैसे अनेकों ने एक युवाओं को अपने साथ जोड़ के और पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और बहुत कम समय में 10 विधायक अपनी पार्टी के बनाकर जननायक जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी की। साथियों, आज हम हरियाणा प्रदेश में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। साथियों, बीजेपी के साथ आज हमारा गठबंधन है। साथियों, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हरियाणा को विकास के पथ पर कैसे ले जाया जाए, जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी उनको घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, और उनकी नीतियों से छत्तीस बिरादरी के समाज के लोगों को हमारे गांव के आंचल में बैठे हुए आखिरी परिवार तक उनका लाभ कैसे पहुंचे, उसको हमने सुनिश्चित करने का इस सरकार ने काम किया। साथियों, आज हम बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आज यहाँ गठबंधन में सरकार, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में दुष्यंत चौटाला जी की सूझबूझ से प्रदेश को हम प्रगति की तरफ बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं भाइयों, कि गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन टूटेगा। जब हम विधायक बनने के बाद गठबंधन हुआ तब विपक्ष वालों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, बोले यो एक महीना का है। भाइयों, 5 साल तो चल लगा के डंका की चोट पे, और यह जो आज ये समूह पूरे हरियाणा की ललाता हुआ, यह जो पूरा ग्राउंड भरा हुआ है ना पूरे हरियाणा प्रदेश की छत्ती बिरादरी के लोगों से, ये आज मोहर लगा दी है कि अगली सरकार भी आप और हम लोग मिलकर बनाएंगे। साथियों, जो विपक्ष है वो दिशाहीन हो चुका है, उसके पास कोई दिशा नहीं है, ना उनके पास कोई काम है, आपस में लड़ लड़ के मरण लाग रहे हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे की भाई। और कई लोग अपने आप को ये बताते हैं कि अगली बार सरकार में आएंगे। अरे भाई, आओ क्यों कर गए, ना तो लोगों में आपका कोई क्रेज, ना लोगों में आपकी कोई पसंद। अगर आज हरियाणा में जो हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है, लोग उसके कार्य से सहमत हैं। और जो दूसरी बात, जो दुष्यंत चौटाला जी में उप मुख्यमंत्री के रूप में इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हम सबको जो जिम्मेवारी दी थी, हम बाखूबी उस जिम्मेवारी को निभाने में लगे हुए। अरे भाई, एक बात ज्यादा तो आप सुनने के लिए डॉक्टर साहब को और दुष्यंत जी को आयो, मैं तो एक ही बात करके जाऊंगा। जिस तरीके से इन्होंने बड़े शॉर्ट समय के अंदर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का एक निर्णय लिया था, और हमारे जैसे जो दूसरी पार्टियों ने जिन लोगों को उठाकर मेहनत कराकर बाहर फेंकने का काम किया था, अपने साथ जोड़कर 10 विधायकों को लेकर आने का काम किया, आने वाले समय में मैं गारंटी कर सकता हूँ साथियों, जैसे भी बने हम लोग सत्ता के हिस्सेदार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुले बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे युवा साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा, और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे जो नेतागण हैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, और खास तौर से जो हमारे फतेहाबाद जिला के लोग आए हैं, हमारे टोहाना कंस्टिट्यूंसी से आए, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं अब निवेदन करूंगा दोस्तों, जननायक जनता पार्टी के एक धुरी के रूप में काम करने वाले और पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में जाकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार दोस्तों तालियां बजा करके प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। मैं जोरदार तालियां बजाए प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, और एक नारा बोले मेरे साथ, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। भाई सुस्त पड़ गए, दोबारा बोले, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद।
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी। भिवानी की इस पावन धरा पे पूरे हरियाणा भर से आए हुए हमारे परम आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवानों को, मातृशक्ति को संबोधित करने के लिए आए आज की सभा के मुखिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, और बहुत ही ऊर्जावान, बहुत सूझवान और अपने कार्य शैली का लोहा मनवाने वाले हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, आद के योग पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ साहब, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय चौटाला जी, बहुत ही आदर के योग पार्टी की विधायिका और हरी चुनरी चौपाड़ के माध्यम से मेरी लाखों माताओं को, बहनों को राजनीति में उनका हक दिलवाने के लिए, और जो दिलवा चुकी हैं जिस तरीके से अपने सुपुत्रों को आदेश करके पंचायती राज में, उसके लिए विराजमान मंच के ऊपर बहन नैना सिंह चौटाला जी, बहुत ही आदर के योग श्री चौधरी अनंत राम जी, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, श्री बहन शीला भ्याण जी, आदर के योग पार्टी के, बहुत ही आदर के योग हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य और बहुत ही आदरणीय हरियाणा की एक महान शक्ति पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी के सुपुत्र श्री कार्तिकेय जी, बहुत ही आदर के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, आदर के योग हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्री अनूप धाणक जी, माननीय हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं नव नियुक्त खादी बोर्ड के चेयरमैन श्री राजेंद्र लेताणी साहब, आदर के योग पूर्व मंत्री हर्ष कुमार जी, श्री सतपाल सांगवन जी, आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय लेवल के, हमारे आदरणीय विधायक श्री ईश्वर सिंह जी गुला चीका से, आदर के योग विधायक अमरजीत डांडा जी, श्री जोगी राम जी सिहाग, बहुत ही आदर के योग श्री रामकरण काला जी, हमारे बीच में मौजूद सभी सेलों के प्रदेश के संयोजक गण, बहुत ही आदरणीय इंसो के श्री प्रदीप देसवाल जी, हमारी युवा शक्ति के को चलाने वाले, पूरे प्रदेश के अंदर युवा शक्ति का पार्टी के लिए उपयोग करने वाले रविंदर सांगवान जी, आदर के योग श्री रणधीर सिंह जी, पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी, भिवानी के दोनों जिला अध्यक्षगण और सभी पूरे हरियाणा भर से आए हुए मेरे बहुत परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी संख्या में आई हुई माताओं, बहनों, मैं आपको यहाँ आने पर खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपने उस पांडु पिंडारा की पावन धरा की याद ताज़ा करवाई, जो चार वर्ष पहले जिस दिन पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नामकरण किया, श्री गणेश किया, पार्टी को जन्म दिया, उस दिन की आज याद ताज़ा कराने का काम किया है। लाखों लाखों की संख्या में उस दिन भी पांडु पिंडारा की पावन धरा पे आप लोग पहुँचे और आज उसी याद को फिर ताज़ा कराने का काम किया। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले तीन वर्षों में पार्टी बनाने के बाद जो संघर्ष आपके सुपुत्र, आपके लाडले, आपके अजीत दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के करने का काम किया, जो काबिलियत उन्होंने दिखाई, जैसे कहा जाता कि पूत के पैर पालने में पछाड़े जाते हैं, दोस्तों खेलने की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद जो काबिलियत पाँच वर्ष लोकसभा में दिखाने का काम किया, उसी तरीके से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तीन वर्षों में अपना लोहा मनवाने का काम किया। मैं लंबी बात करूं तो समय लगेगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
उप मुख्यमंत्री जी ने आप कहनी है, बात अपनी करनी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम उन्होंने किए वो अपने आप में एक कीर्तिमान था। चाहे हमारी बहनों को 50% आरक्षण की बात, चाहे हमारी बहनों को 30% जो हमारे राशन डिपो उनमें अधिकार देने की बात, जैसे हमारे बैकवर्ड समाज के भाइयों को 8% अधिकार देने की बात कहेगी। दोस्तों, जिस तरीके से 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात किसी ने सोची भी नहीं थी कि दुष्यंत चौटाला जी इस बात को लेकर के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से सलाह करके इस कानून को प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब ये केस पूरी तरह से कोर्ट से क्लियर होकर के आ जाएगा तो हमारे लाखों युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार मिलेगा। मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 2 वर्ष बाकी हैं और इन 2 वर्षों में हमारा सबका ध्येय बनता है, हमारी सबकी परीक्षा है कि हम मिल करके संगठन को मजबूत करें। और दोस्तों, 2024 तक पहुँचते पहुँचते हमारे जितने भी नौजवान साथी, जो जितने भी हमारी बहनें जिनकी ड्यूटियाँ हमने बूथ वाइज लगाई थी, बूथ योद्धा के तौर पर, बूथ सखी के तौर पर, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी हरियाणा के हर बूथ पे जाकर के और साथियों को साथ लेकर के हरियाणा को एक माला में पिरोने का काम करेंगे। ऐसा काम इन 2 वर्षों में करें, इतना संगठन को मजबूत करें कि आने वाला 2024 आपके नाम हो, आपके अजीज के, आपके लाडले के नाम हो। आपका लाडला आने वाले समय में इस मजबूत संगठन के माध्यम से हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, उस दिन हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, हमें शक्ति देना चाहते हैं सभी मिलकर के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हमारी अगुवाई करें और वो भी जाकर के हम मेहनत करके अपनी पार्टी को निखार करके पूरे हरियाणा में नंबर एक की पार्टी बनाने का काम करें। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का, बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं का, बहनों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने लाखों लाखों की संख्या में आकर के आज पार्टी की शान को बढ़ाने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी को मोमेंटो दे करके एक बार सम्मानित करने का काम करें। और दोस्तों, दोनों जिला अध्यक्ष रेवाड़ी और भिवानी, प्रधान जी को मोमेंटो देने का काम करें। अब दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के होनहार युवा नेता, मैं उनको बुलाऊं। उससे पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों, स्टेज के साथी बैठे या हरियाणा प्रदेश के कोने कोने शायर भाई साथी बैठे, 2 लाइन आपके बीच में बोलूंगा।